अस्सलामुअलैकुम वीकली राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर। खवातीन के तहफ्फुज के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का आसान इकदाम। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की विमेन सेफ्टी ऐप और पब्लिक सेफ्टी ऐप पुकार 15 से मुंसलिक। अगर खवातीन दौरान सफर किसी भी मसले का शिकार हो जाएं तो सेफ्टी बटन के जरिए मोबाइल GPS के इस्तेमाल करते हुए अपने सफर को महफूज बना सकती हैं। अब खवातीन ऐप में मौजूद सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर पैरामीटर्स की बुनियाद पर मौजूदा मुकाम का ऑडिट कर सकेंगी। इस बटन में खवातीन के लिए मुख्तलिफ जराइम की आगाही के लिए मालूमात दी गई है। बटन पर क्लिक करके खवातीन पुकार इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल मिलाकर राबता कर सकती हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन को हरासा करने के खिलाफ लड़ने के लिए बाइख्तियार बना रही है। हकूक खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के जरिए राबता करें। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी वाह कैंट पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर को खराज तहसीन पेश करती है। इस्लामाबाद वाह कैंट में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजमान की फायरिंग से CIA पुलिस का ऑफिसर ASI शकील भट्ट जामे शहादत नोश कर गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी वाह कैंट पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर को खराज तहसीन पेश करती है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की बिछड़ों को अपनों से मिलाने की रवायत बरकरार। 3 साल बच्ची को उसके वालदेन से मिलवा दिया। अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने पुकार 15 की कॉल पर 3 साल बच्ची को उसके वालदेन से मिलवा दिया। पुकार 15 कॉल पर मुल्तान पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और बच्ची को ढूंढ निकाला। पुलिस की फर्ज शनासी पर वालदेन खुशी से निहाल। बच्ची के वालदेन ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शुक्रिया अदा किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पुकार 15 के आदाद शुमार बराए जनवरी जारी कर दिए। पंजाब भर से पुकार 15 पर 10,78,032 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 7,35,854 कॉल्स गैर जरूरी थी। पुकार 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर मौसूल कॉल्स पर 73,883 केसेस बनाए गए, जबकि मुख्तलिफ मालूमात के हसूल के लिए 48,617 कॉल्स मौसूल हुई। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के 3,944 केसेस बनाए गए। SOS रेड अलर्ट के 2,983 केसेस बनाए गए। जायदाद के तनाज़ियात के 23,065 और शख्सी जराइम के 9,673 केसेस बने। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज सेफ सिटीज अथॉरिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों के जरिए स्क्रीनिंग। इससे कबल अथॉरिटी की टीमें पाक बांग्लादेश मैच की सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी रवाना हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहियत के हामिल कैमरे नस्ब किए गए। सेफ सिटीज अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान की शहर भर में कैमरों की मदद से निगरानी का अमल जारी। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट समेत अहम मकाम की मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर शहर महफूज तरीन बनाने में सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम किरदार है। एक जानिब शहरियों ने सेफ सिटीज अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती और सहाफती हलके में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट और वेब TV को पजीर राय मिल रही है। हुकूमत के तर्जुमान और कॉलम निगार अक्रम चौधरी ने भी सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के लिए अपने कॉलम में मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। नामवर ड्रामा और फिल्म मुसनिफ खलीलुरहमान कमर ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। खलीलुरहमान कमर को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। मेरे पास तुम हो के मुसनिफ ने सेफ सिटीज वेब TV के प्रोग्राम सेफ सिटी स्पेशल में शिरकत की। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि दानिश की मौत का वाकया हकीकत के करीब तर है और इसकी अक्सबंदी में किसी किस्म के मफरूजे से काम नहीं लिया गया। मैं डॉक्टर्स को चैलेंज करता हूं, मैंने दानिश की मौत का सीन मुकम्मल तहकीक के बाद लिखा। खलीलुरहमान कमर का मजीद कहना था कि मर्द उस दिन मर जाता है जिस दिन औरत उससे बेवफाई करती है। सेफ सिटी स्पेशल में खलीलुरहमान कमर का इंटरव्यू कल सेफ सिटी के सोशल मीडिया पर नशर किया जाएगा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार महमूद असलम की सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद।
محمود اسلم کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا۔ انہوں نے سیف سٹی ویب چینل کے پروگرام سیف سٹی اسپیشل میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر محمود اسلم کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز اتھارٹی میں جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ سیف سٹی اتھارٹی نے پولیس امیج کو بہتر بنایا ہے اور پولیس کلچر میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ یہ تھا آج کا ویکلی راؤنڈ اپ۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv۔